अपने बिजनेस कारोबार धंधे के विज्ञापनों के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल आईडी पर संपर्क करें। CAA और NRC के समर्थन में उतरे RSS वादी कट्टर हिंदूवादी सड़कों पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सिटीजंस अमेंडमेंट एक्ट और NRC को लेकर के एक तरफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वही अब पिछले 2-3 दिनों से इन दोनों प्रक्रियाओं के, एक कानून CAA और दूसरी NRC की प्रक्रिया के समर्थन में RSS समर्थक सड़क पर उतरना शुरू हो गए हैं। एक दिल्ली का लोकल चैनल है शाइनिंग इंडिया, इसने एक कवरेज किया है, उन्हीं की कर्टसी से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कट्टर हिंदूवादी जो है अपना CAA पर नजरिया व्यक्त कर रहे हैं, किस तरीके से वो NRC पर अपनी बातें रख रहे हैं और इस दौरान अपने विरोध प्रदर्शन और CAA के समर्थन प्रदर्शन के दौरान, CAA कानून का समर्थन करने के दौरान, NRC का समर्थन करने के दौरान उन्होंने किस तरह से NDTV जो देश का एकमात्र निष्पक्ष चैनल कहलाता है, देश के एकमात्र निष्पक्ष पत्रकार कहलाए जाने वाले रवीश कुमार, इन दोनों को किस तरह से टारगेट किया, किस तरह से उनके खिलाफ नारेबाजी की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम इसी खबर के हमारे दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से RSS के लोग जो है वो CAA और NRC के समर्थन में सड़कों पर उतरे और किस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, जबकि उनके नारेबाजी एक वर्ग विशेष समुदाय को टारगेट करने वाली थी, उनको निशाना बनाने वाली थी, सद्भावना, सौहार्द और आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली थी। इसके बावजूद पुलिस इन्हें कहीं रोकती नजर नहीं आ रही है, आसपास कहीं पर भी पुलिस का बंदोबस्त तक नजर नहीं आ रहा है और पुलिस इनको किस तरह से खुली छूट दे रही है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारी फैसलों का समर्थन करने के लिए अपनी कट्टरता के चलते, अपने कट्टर संगठन के आदेश पर सड़कों पर उतरे ये लोग किस तरह से बेखौफ है वो भी पहलू इसमें सामने आ रहा है। सर केजरीवाल कह रहे हैं सर भय का माहौल है देश के अंदर, डराया जा रहा है सर लोगों को, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तलाश रहे हैं। केजरीवाल ने ढूंढ लिए अपने, केजरीवाल ने ढूंढ लिए भय गद्दारों को है, देशभक्तों की नहीं, जो गद्दार हैं, जो घुसपैठिया हैं। रैली में सर आप क्यों आए? हम रैली में भैया बस इसलिए आए हैं, जो ये सड़कों पे वैंडलिज्म हो रहा है, जो ये लोगों को डराया जा रहा है, ये जो कुर्ता बड़े भाई का छोटे भाई का पजामा पहन के, हम उस डर के खिलाफ आए हैं कि काफिर कब तक डरेगा, काफिर को डरना बंद करना पड़ेगा। और सीधा सीधा हाँ, मुद्दे पे बोलो कि इस्लाम इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक बार 1947 में इस देश का बंटवारा सिर्फ धर्म के आधार पे हुआ है, अब इस देश का हिंदू, इस देश का बहुसंख्यक जाग चुका है, उसे जाति पात में नहीं बटाया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। हम ये सिर्फ सावधान करने आए देश की जनता को, इन छोटे कुर्ते वालों के या पजामे वालों के झांसे में ना आए और इकट्ठे रहें, ठीक है। जितना नुकसान इस देश का इन मुगलों ने कराया, उनके ही पूर्वज जो यहाँ पर इस्लाम के नाम पर, यहाँ पर या कैब के नाम पर हमारे अंदर डर पैदा कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। इस देश की जनता जाग गई तो उन्हें कहीं नहीं मिलेगी, उन्हें पैर रखने को जमीन नहीं मिलेगी। मेरा एक सवाल सिर्फ केजरीवाल से इतना है, अगर देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो मुसलमान यहाँ रुके क्यों? अगर मुसलमान और हिंदू साथ में रह सकते थे तो बंटवारा हुआ क्यों? ये जवाब केजरीवाल हमें दे दे, हम मान जाएंगे कि केजरीवाल सही बोल रहा है। देखिए जी, केजरीवाल जी की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ लोगों को डरा के राज करने की ही है। जब अन्ना का आंदोलन हुआ था तो ऐसा बताया गया था कि बस इतना भ्रष्टाचार हो गया है, फिर बाद में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली। आज की डेट में भी वही है, मुद्दा कुछ बचा नहीं है, जो वादे करे थे वो पूरे कर नहीं पाए। अब लोगों को भड़का दो कि आपको डराया जा रहा है, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों के अंदर लड़ाई चल रही है कि अल्पसंख्यकों का पूरा वोट एक तरफा उन्हें मिल जाए, जबकि सब समझदार है अपने आप में, कुछ लोग भड़क जाते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पर सपोर्ट में आने का सिर्फ एक कारण है, सुबह से कल से मैं TV देख रहा हूँ कि यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर समाज का हर वर्ग जो है इस बिल के विरोध में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सबको कहना चाहता हूँ, मैं और यहाँ पर हजारों लोग हैं, हम सब इसके समर्थन में हैं और हजारों लोग अपने काम धंधे पे जा रहे हैं रोज, वो सब इसके समर्थन में ही है, कोई इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन समर्थन करने वाले लोग आम तौर पे उतरते नहीं है और विरोध और वायलेंस को मीडिया भी ज्यादा दिखाता है और वो लोग सड़कों पे भी उतरते हैं।
तो उनको जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं, हम इसके समर्थन में, क्योंकि ये देने का कानून है, नागरिकता देने का, छीनने का नहीं है। मगर सर आप किस लिए आए हैं सर? आप समर्थन में आए हैं सर, मगर क्यों सर आए हैं? विपक्ष कह रहा है सर देश बांटने वाली नीति है। देखिए विपक्ष कल मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी कह रही है कि ये असंवैधानिक है। मैं उन्हें कहता हूँ कि लियाकत बिल का जो समझौता हुआ था 3 जुलाई 1950 को, वो एक बार पढ़ ले, ये पूरा संवैधानिक है। ठीक है, ये वो लोग हैं टुकड़े टुकड़े दल वाले जो पत्थर फेंकते हैं तब बोलेंगे कि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई कहती है तो हम गुलाम, उन्हें गुलामी महसूस होती है, आजादी आजादी की नारी लगाते हैं, ये पूरा गलत है। आप क्यों समर्थन में है सर जब सारे विपक्ष इसके विरोध में है सर? हम इसलिए समर्थन में है, जो बाबर के औलाद 2.5 करोड़ थे वो 50 करोड़ हो गए हैं, अभी भी तुम्हें इनको यहाँ खतरे में महसूस हो रहे हैं। बाबर के औलाद जो 2% थे 3% थे, आज वो 30% हो गए हैं भारत में। आज भी आपका टीवी दिखा रहा है या बाहर के देश दिखा रहे हैं, वो यहाँ खतरे में है। इस बात का जवाब दो, जो बाबर के औलाद यहाँ पे करोड़ों में थे वो 25-30 करोड़ हो गए, वो खतरे में। 18% है तो पूरा देश चला रहा है, जिस दिन 50% हो जाएगा वो हमें रहने नहीं देंगे, हमें नहीं रहने देगा, वो गद्दार है वो, ये इस देश का भागना भाई। जो देश के देखिए संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहा है वो गद्दार है वो, नहीं मुसलमान गद्दार नहीं है और ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देखिए वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन इस देश का बंटवारा हुआ, दो भाई हैं, प्लॉट का बंटवारा हो गया, आधा तेरा आधा मेरा, बंटवारा होने के बावजूद भारत में हम लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, भाई की तरह रखा, कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं होने दी। अभी उनको क्यों डाउट हो रहा है कि आगे प्रॉब्लम होंगी? जिस तरह आज तक रहते आए हैं प्यार के साथ 80 करोड़ के बीच, ऐसे आगे भी रहेंगे। सारा सवाल ये है विपक्ष द्वारा और ये चीज उठाई जा रही है कि सबको नागरिकता दे दी, मुसलमानों को क्यों नहीं? इसलिए नहीं दी कि जो 3 देश हैं उसमें मुसलमान परेशान ही नहीं है, केवल वहाँ अल्पसंख्यक परेशान है जो हिंदू है, जैन है, सिख है। भाई साहब नागरिकता देने की बात कर रहे हो, हमने तो उन्हें आधा जमीन का टुकड़ा दे दिया 1947 में, इतना बड़ा पूरा का पूरा बांग्लादेश दे दिया, अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें हमारी जान चाहिए? नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ देश का बंटवारा एक बार हो चुका है, अब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है, 4 हिंदुओं को नागरिकता दे दी उस केजरीवाल और इस कांग्रेस के पेट में आग लग गई। ये आज की डेट में जो विपक्ष है वो तो भाई साहब समुद्र के किनारे पहुँच कर गए हैं। देखिए भाई साहब, लेकिन इस देश का हिंदू अगर उसके खिलाफ अगर जाओगे तो मैं बता देना चाहता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टीज को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदुओं के खिलाफ जा करके और भड़का रहे हैं, 4 हिंदुओं, और ये तो लियाकत अली के साथ समझौता है 1948 का, नेहरू से लेकर के और इस समय तक गहलोत तक ने 2009 तक सबने कहा कि इन्हें नागरिकता दो। नई बात कौन सी करी है शाह ने और इसने अमित मोदी ने, इन्होंने तो उनको कांग्रेस की नीतियों को लागू कराया, परेशानी क्यों? आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिक, चाहे हिंदू है मुस्लिम, मैं यह प्रार्थना करना चाह रहा हूं कि विपक्ष ने जो देश में साजिश रची है आग रचाने की, हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की और हिंदू मुस्लिम राइट कराने की, वो सफल नहीं होगी और शांति कायम रखे। ये बिल जो है हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को देने का है, लेने का नहीं है। जो भारत का नागरिक है चाहे हिंदू है मुस्लिम सिख ईसाई, वो कोई भी नहीं जाएगा। सवाल ये है सर, विपक्ष सबको दे दी, मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही? एक चीज है, आपका घर है, आप अलाउड करोगे कौन एंटर होगा कौन नहीं होगा? ऐसी प्रधानमंत्री अलाउड करेंगे कौन एंटर होगा कौन नहीं होगा? वो लोग इल्लीगल तरीके से आते हैं, वो आतंकवादी हैं। सर आपका एक्चुअली आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को, मैं नहीं कह रहा सर, विपक्ष कह रहा है सर कि उन्हें क्यों नहीं दी जा रही, सबको दे दिया गया। देखिए ऐसा है इसमें, देखिए आप बिल पर जो आप उठाएंगे जो पढ़े उसमें प्रोविजन ये कहते हैं कि जो भी माइनॉरिटीज है जो कि बिकॉज ऑफ मतलब रिलीजन परसिक्यूशन की वजह से जो कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर है। मैं कन्फ्यूजन वो क्रिएट की जा रही है कि अत्याचार तो अहमदिया जो सियास पे भी होते हैं। मेरी बात वो सारी बात अमित शाह जी बार बार क्लियर कर चुके हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए सारा यही चीज़ें हो रही है सर। मैं इसको विपक्ष के लिए मेरा एक निवेदन है, वो खुल करके एक बार कह दें कि जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान में आए हैं जो कि मुसलमान हैं उन्हें भी नागरिकता दे दो। इतना क्यों नहीं कह देते? वो तरह तरह की घुमा करके बात क्यों कहना चाहते हैं? यहाँ पर घुसपैठियों को नागरिकता दी जाएगी या उनको जिनको कांग्रेस ने 1948 में नेहरू जी से लेकर के और इस समय गहलोत तक ने लिखित में मांग करी है उनको नागरिकता, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता देंगे या उन घुसपैठियों को जो यहाँ पर रोहिंग्याओं के नाते यहाँ पर देश में घुसपैठी करके और यहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं उनको, किसको घुसपैठी? प्रताड़ना वो कह रहे हैं कि अहमदिया जो सियास पे भी प्रताड़ना हो रही है तो उनको भी
तो उनको मुस्लिम देश क्यों नहीं दे देते, ये वहां पर जाकर के पाकिस्तान से क्यों नहीं मांग करते, अरब कंट्री से क्यों नहीं मांग करते। हिंदुस्तान में पहले 120 करोड़ की जनता रह रही है और यहां पर वो 20% आज की डेट में यहां पर 25% हो गए 3% से, और वो 3% से वो 20% से 3% रह गए, उनके बारे में क्यों नहीं कहते। ये विपक्षी कोई और नहीं है, ये विपक्षियां वास्तव में कांग्रेस के और साथ में पाकिस्तान के और मुस्लिम देशों के एजेंट है, देशद्रोहियों के एजेंट है जो यहां पर बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नाते। मुस्लिम विरोधी बिल बताया जा रहा है सर, ये बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि जो देश की माइनॉरिटी हैं या मुस्लिम्स हैं उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा NRC को जो लागू किया गया है उसके समर्थन में मध्य प्रदेश में भी NRC को लागू किया जाए।